चिकन बर्रा। सो ये था चिकन बर्रा। टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस था, मुझे तो बहुत मजा आया खाने में। और ये जो है एक पंजाबी कुजीन है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। बात करते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की। पहले जो है आपने दो पीस अनियन को स्लाइस कट कर लेना है, उसके बाद उसको ब्राउन कर लेना है, ब्राउन करने के बाद उसको ठंडा होने देना है, फिर उसे दही के साथ पेस्ट बना देना है। साथ ही साथ आपने जो है धनिया और मिर्च का भी पेस्ट बना देना है, हल्का सा उस पर पानी ऐड करके। उसके बाद आपने जो है चिकन की मैरिनेशन करनी है, चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना। उसके बाद आपने जो है चिकन ऐड करना है बॉल में, उसमें फिर नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च ये ऐड कर लेनी है। साथ ही साथ उसमें दही, ब्राउन अनियन पेस्ट, धनिया और मिर्ची का पेस्ट और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने उसे 30 से 40 मिनट रूम टेम्परेचर में रेस्ट कराना है। उसके बाद आपने साइड बाय साइड जो है पैन में बटर ऐड करना है और फिर उसके बाद जो आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था उसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने उसे साइड कर देना है और फिर आपने जो है कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में घी ऐड करना है और जो आपका मैरिनेशन एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको ऐड कर देना है। साथ ही साथ उसमें जो है हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद उसमें दूध और क्रीम ऐड करनी है, साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। उसके बाद उसे 20 मिनट लो फ्लेम में कुक करना है, जब तक चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता और ग्रेवी आपकी थोड़ी थिक नहीं हो जाती। जैसे आप उसे 20 मिनट कुक कर लेंगे उसके बाद आपका चिकन बर्रा तैयार है। फिर आप इसे राइस के साथ सर्व करके एंजॉय करें और शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों को जो चिकन की रेसिपी बहुत पसंद करते हैं। और जितने ही मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।